देखिए, एक शब्द है तबीयत। तो स्टूडियो में तबीयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तबीयत मतलब हो क्या होता है, मतलब होता है इसका मिजाज, जैसे कैसी तबीयत है आपकी, कैसा मिजाज है। तबीयत में सेहत भी आ जाता है, कैसी सेहत है, कैसी तबीयत है। तबीयत मतलब मिजाज, स्वास्थ्य, स्वभाव, फितरत, प्रकृति, मन की कैफियत को हम तबीयत बोलते हैं। फितरत या मन का उमंग या तरंग, मनोवेग, मनोभाव, मनोवृत्ति, स्वरूप या रूप, मतलब तबीयत। इंग्लिश में तबीयत का मतलब हेल्थ, स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ, मूड, माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड, टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, नेचर एंड ईटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं तबीयत के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में, तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है भाई, मतलब इंग्लिश में हाउ इज योर हेल्थ ब्रदर। तो हेल्थ का मतलब तबीयत, सेहत। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब इंग्लिश में माई मदर इज ऑल्सो नॉट वेल। ठीक है, तुमने अपने तबीयत शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।